रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के पीवी स्टूडियो में, जहां पर डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से गीत संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम की संयोजक मिसेस अलका शर्मा जी। अलका जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज जो ये गीत संगीत का कार्यक्रम रखा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जैसे कि हमारा ट्रस्ट है डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन ट्रस्ट, तो ये हमारी दीदी और पापा के नाम से है, और उन दोनों को बहुत ही संगीत में रुचि थी, और उसी संगीत में रुचि को बढ़ावे के लिए हमने लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के सॉन्ग के लिए ये कार्यक्रम समर्पित किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, सबकी बहुत कोऑपरेशन मिला। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे? मेरे लिए भी, क्योंकि एक फैमिली का मैटर है, मेरी सिस्टर और फादर से कंसर्न है, और वो हमारा फैमिली का ट्रस्ट है, तो मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। और हम लोगों ने, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से एंजॉय किया और सबको बहुत मज़ा आया, और इस नाम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक रहसिंगानी है, और मैं इतना भावुक हो रहा हूँ इस फैमिली के लिए। कमाल का उन्होंने जो है अपनी फादर और सिस्टर के लिए इतना अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और रियली इन सबको मैं बधाई देता हूँ और आशीर्वाद पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी आशीर्वाद है सबको। आपका शुभ नाम? अरुण शर्मा। जी अरुण जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, और स्मृति आलोक फाउंडेशन जैसे हमने बनाया था 2019 में, उसके बाद हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? अर्जुन ढींगड़ा। आज के प्रोग्राम के लिए अलका जी को, इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और ये दूसरी बार मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। मुझे अंतर मन से मेरे आवाज़ आती है कि मैं बहुत अच्छे परिवार में जुड़ा हूँ, और ये जो बहुत बहुत बधाई के साथ साथ भगवान करे ये और ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम करते रहें और हम सबका साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजेश्वर जी। राजेश्वर जी, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? धन्यवाद वीपी शर्मा जी। मैं आपके INS न्यूज़ के माध्यम से जो आज का ये सुंदर कार्यक्रम रश्मि जी, अरुण जी, अलका जी और उनकी माता जी, उनकी पूरी टीम के द्वारा रखा गया है, तो मैं अपनी नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इन्हें अनंत शुभकामनाएँ देता हूँ, ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये सभी परिवार, ये पूरा परिवार मैंने देखा है, इनके मैं दूसरे प्रोग्राम में आ रहा हूँ, पूरा परिवार इनका हृदय की गहराइयों से सभी लोगों का स्वागत करता है, सम्मान करता है, इनके दिल में बहुत प्यार है, और इसी वजह से दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोग इनके प्रोग्राम में आने के लिए आतुर रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर सिंगर। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। पंकज जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हम जैसे कलाकारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही संगीत को तो मैं एक मेडिटेशन मानता हूँ, और ये परिवार इस तरह का कार्य कर रहा है कि हम लोग कुछ पल के लिए अपने सभी गमों को भूल जाते हैं, सभी दुखों को भूल जाते हैं, और संगीत में हो करके हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो कुछ दिन के लिए तो हमारे मन में कुछ इस तरीके की भावनाएं रहती हैं। और मैं बहुत बहुत एक बार फिर से इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस तरह के आयोजन किया, और मैं बहुत इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। आपका शुभ नाम? योगेश मलिक। योगेश जी, आप क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये अलका जी और इनकी जो फैमिली है, ये अच्छे प्रोग्राम करते हैं, मान सम्मान बहुत करते हैं सभी लोगों का, और हम तो बस आशा करेंगे कि ऐसे ही करते जाएं, दोबारा फिर बुलाएंगे, दोबारा फिर कोशिश करेंगे आने की, टाइम निकाल के आते हैं। हम लोग तो सिंगर हैं, सम्मान जहाँ मिलता है वहाँ चले जाते हैं। बहुत खूब, सम्मान जहाँ मिलता है वहाँ हमें जाना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश। आपका शुभ नाम? मंसूर खान जी। मंसूर जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं तो यही बोलूँगा, मैम की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से आज का जो प्रोग्राम हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि इनका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और भगवान इनको आगे बढ़ाए, बाकी हम सब लोग भी आगे बढ़े इनके साथ, मेरी यही दुआ है।
बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर हम एक फैमिली की तरह हैं सर सारे। बहुत अच्छी बात है, एक फैमिली की तरह रहना आज के युग में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवी डीके मेहंदी रत्ता जी, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं INS न्यूज़ चैनल की तरफ से VP शर्मा जी, डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन का स्वागत करता हूँ, और अलका जी, रश्मि दीदी, अरुण भैया और मम्मी जी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया है इन्होंने, और भगवान करे इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा अच्छा ऐसे ही चलता रहे ज़िंदगी भर के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र दत्ता जी। आपका शुभ नाम? चंद्र प्रकाश। चंद्र जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है, और एक तरह से म्यूजिक की साधना है, और ये लोग सब पूरा परिवार मिलके ही करता है, और मेरे को बहुत पसंद आया। मैं आगे भी इस कार्यक्रम में भागीदारी बनूँगा, और खास बात ये है कि हम इनके नए नए पड़ोसी बने तो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर संदेश, म्यूजिक एक साधना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजलि है, और मैं नई नई इनके साथ जुड़ी हूँ, और ये डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन ट्रस्ट को मैं बहुत बधाई देती हूँ, इनके ऑर्गेनाइजर्स को, कलावती मैडम को और रश्मि जी, अलका जी और अरुण जी को, और आगे वो ऐसे ही काम करते रहे, और इनकी ट्रस्ट जो है बहुत रात दिन दुगनी चौगनी तरक्की करे। थैंक यू। बहुत खूब, हमारी भी शुभकामनाएँ, हमारी भी बधाइयाँ। आपका शुभ नाम? कलावती शर्मा। कलावती जी आप क्या कहेंगे और क्या आशीर्वाद देंगे आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों? कार्यक्रम का आयोजन सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया हमें, और बहुत ही अच्छी तरह से मनोरंजन भी किया उसके साथ ही साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हमें ऐसे सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारी तरफ से भी डॉक्टर स्मृति आलोक फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी मेम्बर्स को और सभी पधारे मेहमानों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़, धन्यवाद।